कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं सब्दूरी दीपशिका हूँ अंधियारे चौबारे में, माँ भारती रा लाल हूँ मैं, सस्ते मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। अरे मेरी कलम वचन देती है हथियारों से लड़ने की, और राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। अरे उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुदा नहीं और मात्र शक्ति बोले और मैं ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। मैं आपको जब सर ने वीर रस के लिए कहा तो मैं आपको एक छोटी सी हरिओम जी पवार की कविता कहना चाहूँगा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हुए हैं नार सिंह जी और केसर देव जी, तो उन्हीं की बात को मैं याद करते हुए कहना चाहता हूँ कि अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पर पड़ोसियों को, और गीदड़ कायरता ना समझे सिंह की खामोशी को। अरे हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलने आते हैं, अब भी हमको दुनिया का भूगोल बदलना आता है। अरे सेना को आदेश समा दो, घाटी घेर नहीं होगी, अरे जहाँ तिरंगा नहीं दिखेगा उसकी खेर नहीं होगी। अरे नौजवानों भारत के, भारत को बलवान करो, और दिल्ली वालों एक नहीं सौ सौ एटम बम तैयार करो। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं गाहल घाटी के दिल की धड़कन गाने लिखता हूँ कि हिंदुस्तान बना मत देना, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, और खता कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। इस युवा शक्तियों से एक ही संदेश है कि भारत के सूरज की कभी शाम न होने देंगे, और शहीदों की समाधि को गुमनाम न होने देंगे। जीवन पुष्प छदा चरणों में, जीवन पुष्प छदा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे माँ। भारत माता की।